गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नमन, कहा भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य, त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कराती है कारगिल विजय दिवस। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मंदिर स्थित गौशाला में की गायों की सेवा, पालतू कुत्ते कालू को भी दुलारा। अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहजनवा क्षेत्र के बाढ़ प्रवाहित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा बाढ़ की स्थिति पर रखे नजर, न टूटने पाए कोई बंधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को किया एम्स का निरीक्षण, कहा एम्स में प्रथम चरण में 50 बेड का तथा द्वितीय चरण में भी 50 बेड का कोरोना मरीजों के लिए वार्ड किया जाएगा तैयार, जिससे हो सके कोरोना मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को किया रेलवे हॉस्पिटल का निरीक्षण, 9 विकसित कोविड लेवल 2 के 25 बेड की सुविधाओं का किया अवलोकन, कॉन्टैक्ट लेस रिमोट संचालित रोबोटिक ट्रॉली का किया उद्घाटन, कहा व्यवस्थाओं को रखे चाक चौबंद, इलाज में ना होने पाए कोई लापरवाही। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन अधिकारियों को दिए उचित मार्गदर्शन, हेलीकॉप्टर से बलिया के लिए हुए रवाना। गोरखपुर जिले में रविवार को मिले 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1582, कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत, कोरोना संक्रमित 792 मरीजों का विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चल रहा है इलाज, 751 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोरखनाथ सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ, प्रशिक्षकों ने शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को दिया प्रशिक्षण। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज ने रविवार को अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन रविवार को भी महानगर के सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बंद रहे सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान।